मैदा लेंगे हम 2 कप, मिल्क पाउडर लेंगे 1 टेबल स्पून, नमक लेंगे 1/2 टीस्पून, इंस्टेंट ईस्ट लेंगे हम 1 टीस्पून, चीनी लेंगे 1 टीस्पून, मेल्टेड बटर लेंगे 2 टेबल स्पून और हल्का जरूरत हम नीम गर्म पानी लेंगे। तो ये चीजें चाहिए हमें डो तैयार करने के लिए। मैदे में डालेंगे ईस्ट, मिल्क पाउडर, नमक, चीनी, मिक्स करेंगे और इसमें डालेंगे थोड़ा थोड़ा नीम गर्म पानी। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा बटर और बाकी का बचा लेंगे और इसे हम अच्छी तरह से भूनेंगे 5 मिनट तक। तो ये देखिए डो हमारी सेट हो चुकी है। अब इसे हम कवर करके रख देंगे राइज होने के लिए 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, क्योंकि तकरीबन मेरे हाथ से 2 घंटे लगेंगे। तो थोड़ा सा हम बटर भी लगा देंगे ऊपर और इसे कवर कर देंगे प्लास्टिक कैप से। तो अब इसे हम रख देंगे 2 घंटे के लिए राइज होने के लिए। इसे हम उस जगह रखेंगे जहां पे थोड़ी सी गर्माइश हो। तो गर्म जगह पे हम इसे रखेंगे तो गर्म जगह पे ये जल्दी से राइज हो जाएगा, मतलब 1-2 घंटे में राइज हो जाए। डो हमारी राइज हो चुकी है, अब इसे निकाल लेंगे। देखिए जबरदस्त सी राइज हुई है। पंच करेंगे और इसकी सारी एयर हम निकाल लेंगे। तो ये देखिए हो गया। अब एक ट्रे ले लेंगे जिसमें हमने इसको रखना है। तो ये मैंने बेकिंग ट्रे लिया, इसे हम बटर से या ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। तो मैं इसे बटर से ग्रीस कर रही हूँ, अगर आपके पास बटर नहीं है तो आप इसे ऑयल से ग्रीस कर लो। तो मैं इसे बटर से ग्रीस कर रही हूँ। तो ये देखिए मैंने सारा इसे बटर से ग्रीस कर लिया है और इसको अब साइड पर रख देंगे। और अब इसके हम एक छोटे छोटे से बॉल्स बना लेंगे। तो ये देखिए इस तरह के बॉल बना के हम इस ट्रे में रखते जाएंगे इस तरह, और इसी तरह हम सारे कर लेंगे। इसे रखते जाएंगे साथ साथ और इसी तरह हम सारे कर लेंगे। तो ये देखिए ये सारे मैंने सेट कर लिए। अब इसे हम कवर करके रख देंगे 1/2 घंटे के लिए राइज होने के लिए, क्योंकि हमने इसे दोबारा से राइज करना है। इसे कवर कर देंगे 1/2 घंटे के लिए। चिकन स्लाइडर्स की फिलिंग के लिए हमें जो चीजें चाहिए, श्रेडेड किया हुआ बॉयल किया हुआ चिकन चाहिए हमें 1 कप। एक ब्रेस्ट लिया जिसको मैंने बॉयल कर लिया और उसके श्रेडेड कर लिया। एक मीडियम साइज का कटा हुआ प्याज लिया जिसे मैंने छोटा छोटा काट लिया। मायोनीज लेंगे हम 1/2 कप। छोटे साइज की कटी हुई शिमला मिर्च लेंगे, मतलब स्मॉल साइज की मैंने शिमला मिर्च ली जिसे मैंने छोटा छोटा काट लिया। सोया सॉस लेंगे 1 टेबल स्पून, काली मिर्च का पाउडर लेंगे 1 टीस्पून, नमक लेंगे 1/2 टीस्पून, लहसुन पाउडर लेंगे 1 टीस्पून, पेपरिका पाउडर लेंगे 1 टीस्पून। नमक मैं इसमें इसलिए कम डाल रही हूँ क्योंकि मायोनीज में भी नमक होता है और चीज में भी नमक होता है। तो चीज में नमक होगा और मायोनीज में भी होगा तो सोया सॉस में भी नमक होता है, तो सर नमक मैं एहतियात से कम डाल रही हूँ। तो आप भी देख लेना कम डालना। तो अब हम इसे रेडी करते हैं। पैन में हम डालेंगे 1 टेबल स्पून ऑयल और इसमें हम डाल देंगे ये कटे हुए प्याज। मिक्स करेंगे और प्याजों को हम हल्का सा सॉफ्ट कर लेंगे, ज्यादा नहीं हल्का सा। हो गया। अब इसमें हम डाल देंगे चिकन। मिक्स करेंगे और अब इसमें डालेंगे शिमला मिर्च, लहसुन पाउडर, नमक, काली मिर्च का पाउडर, पेपरिका पाउडर। मिक्स करेंगे और इसमें डालेंगे सोया सॉस। क्योंकि ज्यादा इसे कुक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि चिकन हमारा बॉइल्ड था। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे।
हो गया और साथ ही हम इसमें मेयोनीज डालेंगे, मिक्स कर देंगे। फ्लेम ऑफ करके मैंने इसमें मेयोनीज डाली, तो ये हो गया। तो अभी इसे हम साइड पे कर देंगे। आधा घंटा हो चुका है, तो ये देखिए ये राइस हो चुके हैं। अब हम इसे बेक कर लेंगे इसी तरह, और बाद में हम इसके ऊपर अंडा ब्रश करेंगे और बाद में फिल डालेंगे जब हमने इसको दोबारा फिलिंग करके बेक करना है। तब इसे हम बेक कर लेंगे 20 मिनट के लिए। तो मैंने एक पतीला ले लिया और जाली स्टैंड रख लिया। आप अक्सर पूछते हो कि क्या हम नमक के बगैर पतीले को ले सकते हैं बेक करने के लिए, तो ले सकते हैं, क्योंकि मेरा जो पतीला है वो बहुत ज्यादा पुराना हो चुका है, तो मैं इसे नमक के बगैर भी ले सकती हूँ। तो अब इसे हम रख देंगे। अच्छे से मैंने इसको प्रीहीट कर लिया था, तो ये प्रीहीट हो चुका है। तो अब इसको हम रख देंगे और कवर कर देंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पे 20 मिनट के लिए। 20 मिनट हो चुके हैं, तो ये देखिए ये बेक हो चुके हैं, लेकिन ऊपर से ज्यादा कलर नहीं आया, तो कोई बात नहीं, अभी से हमने फिर से बेक करना है। तो इसको निकाल लेंगे। तो ये देखें, तो ऊपर से मैंने इसको कलर अभी नहीं दिया, इसको हमने फिर से बेक करना है, तो ऊपर से कलर आ जाएगा। तो नीचे से ये हो चुके हैं, अब इसको हम काट लेंगे। तो ये देखें, ये हमने काट लिया। अब ये बहुत ज्यादा गर्म है, धुआं निकल रहा है, तो जब ये अच्छे से ठंडा हो जाए ना, तो फिर आप इसे काट लेंगे। जैसे ये रूम टेम्परेचर पे आता है, तो हम इसके अंदर फिलिंग करते हैं। ब्रेड हमारी अच्छे से ठंडी हो चुकी है, अब हम माइक्रोवेव बॉल लेंगे जिसमें हमने इसे बेक करना है। तो ये जो ब्रेड है ना, इसको साइड पे करते हैं, इसको इधर रखते हैं, और इसे हम पहले हल्का सा बटर से ग्रीस कर लेते हैं। हो गया। और अब ये वाला हिस्सा इस पे रखते हैं ऐसे, और सबसे पहले हम इसके ऊपर लगाएंगे केचप। हस्बे जरूरत केचप ले लें आप, तो केचप लगा ली। और अब इसके ऊपर हम ग्रेट कर देंगे चेडर चीज। हो गया। तो ये देखें, चीज हमने ग्रेट कर दिया। अब हमने जो फिलिंग रेडी की थी वो लगाएंगे, ये चिकन की। सारी अच्छे से सेट कर लेंगे। नायाब हांडी, ये देखें चिकन सारा सेट हो गया। फेमस पाकिस्तान। अब इसके ऊपर रख देंगे हम मोजरेला चीज के स्लाइस। तो ये मैंने स्लाइस ले लिए मोजरेला चीज के। अगर आपके पास स्लाइस नहीं है, तो आप ग्रेट की हवा भी डाल सकते हैं। रखते जाएंगे। हो गया। अब इसके ऊपर हम ऊपर वाला हिस्सा रख देंगे, और इसके ऊपर हम लगाएंगे अंडा। ब्रश कर दीजिए। तो ये देखिए अंडा हमने ब्रश कर दिया। अब इसके ऊपर हम डाल देंगे तिल। अब इसको हम ओवन में बेक कर लेंगे 15 मिनट के लिए 200 डिग्री पर रख के। ओवन को मैंने प्रीहीट करने के लिए रख दिया था 200 डिग्री पर रख के 20 मिनट के लिए। तो ओवन हमारा प्रीहीट हो चुका है, और अब इसे हम बेक कर लेंगे। प्रीहीट हो तो ये देखिए ये बेक हो चुकी है, तो अब इनको हम निकाल लेंगे। तो देखें जबरदस्त से हमारे चिकन स्लाइडर्स बेक हो चुके हैं, अभी इन्हें हम निकाल के दिखाते हैं। नायाब हांडी, ए फेमस